नमस्कार, फोर साइड्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। राहुल के आरक्षण को खत्म करने वाले बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में अपने अमेरिकी दौरे पर भारत में आरक्षण खत्म करने को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस तभी आरक्षण समाप्त करने को लेकर सोचेगी जब देश में सभी लोगों को समान अवसर मिलने लगेंगे। हालांकि भारत में ऐसी स्थिति नहीं है, जिसको लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की थी। अब इस मुद्दे पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने भी राहुल गांधी पर तंज कसा है। रामदास अठावले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी अगर आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं तो उनकी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन आरक्षण खत्म नहीं होगा। जब तक हम लोग सत्ता में हैं, तब तक कोई भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकता है। राहुल गांधी को बचपना छोड़ देना चाहिए। देश के बाहर जाकर देश की निंदा करना ठीक नहीं है। राहुल गांधी के बोलने से आरक्षण खत्म नहीं होगा, क्योंकि उनकी सरकार नहीं आएगी। यही नहीं, उन्होंने आगे राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द किए जाने की बात की। रामदास अठावले ने कहा कि राहुल गांधी को विदेशों में जाकर देश के बारे में ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। ये राहुल गांधी को शोभा नहीं देता, इसलिए राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अजीत पवार ने गठबंधन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। अजीत पवार के पास भी लोकसभा की 17 सीटों पर हिस्सेदारी है, लेकिन राज ठाकरे को महागठबंधन से कोई मतलब नहीं है। रामदास अठावले ने ये भी बयान दिया कि मेरी वजह से महायुति को राज ठाकरे को नहीं लेना चाहिए। राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत की। इस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने उनसे देश में आरक्षण को लेकर सवाल पूछे। इस मौके पर राहुल गांधी ने बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि सही समय आने पर कांग्रेस आरक्षण खत्म करने पर विचार करेगी। इसके अलावा भी उन्होंने कई और बयान दिए थे, जिस पर भाजपा के कई नेताओं ने उन पर जमकर निशाना साधा था। खबरों में रहना है अपडेट, तो देखते रहिए फोर साइड्स टीवी।